जय मित्रों, तो आज मैं फिर आपके लिए एक और वीडियो पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो अर्थशास्त्र का है, क्लास 10वीं के लिए अर्थशास्त्र का। वैसे आज का जो वीडियो है मुख्य रूप से बेसिक रहेगा, इसमें किसी चैप्टर का जिक्र नहीं रहेगा। वैसे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली चर्चा करेंगे। आज मुख्य रूप से अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र के जनक के बारे में हम चर्चा करेंगे, अर्थात अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र का दूसरा रूप नाम लोग क्या कहते हैं, आजकल जो ग्रंथ चलता है उसमें। तो मुख्य रूप से हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, किसे कहते हैं, और अर्थशास्त्र के जनक और जनक के परिचय। जैसे कि अर्थशास्त्र के जनक आपके चाणक्य हैं और एडम स्मिथ हैं। तो चाणक्य जो कि प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, सबसे पहले जो अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखा गया था उसके जनक चाणक्य माने जाते हैं, और जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसके जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं। तो हम दोनों व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूरा का पूरा रूप से हम लोग डीपली चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से इनका परिचय भी जानेंगे ना, क्या है क्या नहीं। चलिए हम लोग पहले बिना देर किए जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। पहले इनके अर्थशास्त्र जो शब्द है उस शब्द को हम जान लेते हैं क्या होता है अर्थशास्त्र। यहाँ पर मुख्य रूप से वैसे हम चर्चा करेंगे इनके नाम के बारे में, यहाँ पर लिख रहे थे, जल्दी समझिए। तो पहले अर्थशास्त्र देखिए, यहाँ पर जैसे अर्थ अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र को हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र आपका दो शब्द से मिलकर बना हुआ, संस्कृत का दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसमें देखिएगा, तोड़िएगा तो आएगा आपका अर्थ अर्थ और प्लस शास्त्र। देखिए शास्त्र मुख्य रूप से एक विषय होता है, विषय। तो आप कह सकते हैं जो विषय है ये विषय, ये आपका विषय है मुख्य रूप से विषय, ये आपका एक विषय है। शास्त्र विषय के ही कहते हैं, जैसे कि आप पढ़ते होंगे तो आपका रसायन शास्त्र, तो कई तरह के शास्त्र के बारे में चर्चा होता था। तो शास्त्र होता क्या, शास्त्र के विषय होता है, जैसे रसायन शास्त्र रसायन का विषय, सिंपल। तो यहाँ पर आपका शास्त्र विषय हो जाएगा। लेकिन अर्थ मैंने क्या होता है वह, तो अर्थ का होता है आपका मुख्य रूप से देखिएगा, अर्थ का हो जाएगा आपका धन, अर्थ का अर्थ होता है धन। यहाँ पर अर्थ अर्थ यहाँ पर जो अर्थ इसका आ रहा है अर्थशास्त्र में, जो अर्थ का अर्थ होता है, अर्थ का जो मीनिंग होता है वो मुख्य रूप से आपका धन होता है। तो आप कह सकते हैं धन का विषय, धन का विषय, यानी कि जिसमें धन के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जिसमें धनों के बारे में, धन संपत्ति वगैरह ऐसा जो होता है मुख्य रूप से हम उसका अध्ययन करते हैं। बस टॉपिक थोड़ा सा अलग होता है, मतलब कि थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डीपली चर्चा करते हैं कुछ, जैसे कि आय प्रति व्यक्ति व्यय क्या होता है, प्रवृत्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, सबके बारे में हम लोग चर्चा उसमें करते हैं। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का वह भाग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों को हम अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्या होता है, आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कि आप कुछ खर्च व्यय जो करते हैं, कमाते हैं, इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ लगता है, सब कुछ कहीं ना कहीं कहाँ जाता है आपका, अर्थशास्त्र में आ जाता है। कि जैसे जीडीपी वगैरह हो जाता है उसका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है इसका, कैसे कैसे इसका निकलता है, डाटा क्या होता है इसका, सब कुछ मुख्य रूप से देखा जाए तो अर्थशास्त्र में आ जाता है। अर्थशास्त्र में हम लोग अर्थ के बारे में, अर्थात कहिए तो आपको धन के बारे में, धन का एक विषय है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र एक धन का विषय है जिसमें धनों के बारे में है ना अध्ययन किया जाता है, बस प्रोसेस इसका थोड़ा सा डीपली होता है। तो मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं अर्थशास्त्र में अध्ययन क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, अर्थ क्या हो सकता है इसका, धन का विषय, धनों के बारे में अध्ययन विषय को है ना, वैसा शास्त्र यानी कि वैसा शास्त्र या कहिए कि जिसमें हम लोग धन के विषय के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र का अर्थ हो जाएगा धन का विषय, धन संबंधी विषय को, धन संबंधित विषय ही अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र है। देखिए आप
यहाँ पर सोच समझ चलेगा। धन संबंधी विषय क्या है? अर्थशास्त्र है। धन संबंधित विषय ही आपका अर्थशास्त्र है। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं, छोटा सा डिफिनेशन शॉर्टकट में आप कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है वो भी हम लिखेंगे। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जैसे कि देखा जाए तो मान कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, सबको पता है, जानते हैं, है कि नहीं? सामाजिक विज्ञान पता होगा आपको, सामाजिक, जैसे कि सामाजिक विज्ञान आपको पता होगा। सामाजिक विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं ये भी मुख्य रूप से इसे देखा जाए तो आप कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के चार पार्ट होते हैं। पहला आपका देखते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री हिस्ट्री होते हैं जिसका जनक आप जानते हैं हेरोडोटस होते हैं, और ज्योग्राफी जियोग्राफी, फिर आपका आ जाता है ज्योग्राफी, फिर आप जानते हैं इकोनॉमिक्स जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है, इसी का परिचय हम लोग जान रहे हैं, और आपका आ जाता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बारी बारी समग्र रूप से आपको अर्थशास्त्र के बारे में इंट्रोडक्शन आज दे रहे हैं हम, है ना। इनके जनक मुख्य रूप से माने जाते हैं आपको हेरोडोटस, हेरोडोटस हेरो है ना, हेरोडोटस साफ से लिख देते हैं हम यहाँ पर, है ना, हेरोडोटस इसके हो जाते हैं, इनके हो जाते हैं आपका, है ना, हिकेटियस, हिकेटियस हिकेटस हो जाते हैं इनके आपके, जैसे कि लिखा गया चाणक्य और एडम स्मिथ, चाणक्य 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 हो जाते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं एडम स्मिथ, एडम स्मिथ हो जाते हैं, एडम स्मिथ, और इसके इनके हो जाते हैं तो आपके, देखिए इंडियन पॉलिटिक्स के ऐसे मुख्य रूप से देखा जाए जैसे प्राचीन काल में अरस्तु ही कहा जाता है, लेकिन ऐसे इंडियन में देखिएगा जैसे अरस्तु और आपके महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भी इनका नाम आ जाता है, महात्मा गांधी का भी नाम आ जाता है। तो मुख्य रूप से आप यूँ जान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आपको पढ़ने वाले चाणक्य और एडम स्मिथ के बारे में पूरा अबाउट डीपली चर्चा करने वाले हैं। तो शान से थोड़ा सा पूर्ण वीडियो देखिएगा, पूरा मजा आएगा। बेसिकली इसमें पूर्ण बात को संक्षिप्त में आपको आसानी से समझाने का हम पूर्णतः प्रयास करेंगे, और कोशिश है कि पूर्णतः बहुत मजा आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसे मुख्य रूप से इसमें हम लोग तो ये जो रहा आपका, ये सिर्फ हम बता दें कि सामाजिक विज्ञान के कौन सा भाग होता है। वैसे के लिए आप पढ़ रहे हैं जो इकोनॉमिक्स है, चर्चा हम लोग करेंगे उसके बारे में, वैसे जान लीजिए आप इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। डिफिनेशन में अगर आए परिभाषा में, परिभाषा परिभाषा परी तो परिभाषा की बात करेंगे इसका हम, तो हम कहेंगे कि सामाजिक विज्ञान का वह भाग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, वस्तुओं के निमय विनिमय, विनिमय उसका क्रय विक्रय इत्यादि के बारे में हम लोग, वस्तुओं के विनिमय के बारे में पूर्णतः देखा जाए, वस्तु आर्थिक क्रियाकलाप या वस्तुओं के विनिमय इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। मैंने सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के विनिमय जैसे क्रय विक्रय या आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम आसानी भाषा में क्या कहेंगे, और शास्त्र कहेंगे, है ना। तो विज्ञान सामाजिक विज्ञान, सामाजिक सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कि वह शाखा सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के विनिमय, वस्तुओं के विनिमय, जिसमें वस्तुओं के विनिमय, थोड़ा सा इसको साफ से लिख देते हैं, वस्तुओं के विनिमय या आर्थिक क्रियाकलाप
क्रियाकलापों, आर्थिक क्रियाकलापों क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो एक बार रीड कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम लोग वस्तुओं का विनिमय या कहिए कि आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए बहुत सारे से टॉपिक हो सकता है आपका डिफिनेशन का, ठीक है, संक्षिप्त रूप में देने का हम प्रयास किए हैं। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीका से डिफाइन किए हैं, लेकिन एक अपने तरीका से उसको हमने स्टडी करके हम एक मिला के थोड़ा सा आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आसानी भाषा में समाज विज्ञान की भाषा का, इसमें वस्तुओं का विनिमय या कहिए कि आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में आप यहाँ पर तथा भी कर सकते हैं, क्योंकि है ना सब चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है मुख्य रूप से तथा। तो क्या कहिएगा, वस्तुओं के विनिमय है ना तथा आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत सारे बिंदु मुख्य आते हैं, जैसे कि आर्थिक क्रियाकलाप है क्या, है ना, जीविकोपार्जन क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इसको हम चैप्टर में जब चलेंगे तो हम डीपली चर्चा करेंगे। ऐसे मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं के बारे में आप चर्चा कर देते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि ये आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, जैसे आर्थिक आर्थिक ना आर्थिक क्रियाकलाप क्रिया का लाभ आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, तो आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब होता है कि अर्थ के लिए जो हम कार्यक्रम करते हैं, अर्थ के लिए जो हम आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में मुख्य रूप से देखा जाए तो अर्थ मने होता है, आप जानते हैं रुपया पैसा धन, जो अर्थ हम बताएं जैसे कि धन, तो वहां पर आप समझिएगा कि धन के क्रियाकलाप जो करते हैं, जैसे कि हम अभी टीचिंग कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप हो गया आप कह सकते हैं, ये आपका एक अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थ के लिए व्यवस्था करने का प्रोसेस हो गया। अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो अर्थ के लिए जो हम व्यवस्था करते हैं जैसे कोचिंग संस्थान हो गया आपका दुकान वगैरह, सब अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप है, परंतु उसको कहेंगे क्या, आर्थिक संस्था अर्थ संस्था या आर्थिक संस्था, मतलब जो अर्थव्यवस्था को उत्पन्न कराने में हमको सहयोग करती है वह संस्था को आर्थिक संस्था कहते हैं या अर्थव्यवस्था के संस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो सहयोग कर रहा है आपका हो गया आर्थिक संस्था, या कहिए कि अर्थव्यवस्था के सहयोगी, है ना, तो मतलब कि अर्थव्यवस्था के बिना आर्थिक इनकम व्यर्थ है। आप जानते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कोचिंग नहीं होता तो क्या इससे आय प्राप्त नहीं होता, तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो आर्थिक क्रियाकलाप करने के लिए अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ की व्यवस्था करने के लिए हमें आर्थिक क्रियाकलाप करना पड़ता है। आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, तो आर्थिक क्रियाकलाप मतलब हुआ जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ाना लिखाना है कि नहीं, मजदूरी करता है कोई खेत में वगैरह वगैरह कहीं पर अलग अलग जगह पर, जैसे सड़क में अलग अलग जगह पर वो काम करते हैं और अपने अर्थ को प्राप्त करते हैं और अपने दिनचर्या को चलाते हैं। जीव को उपार्जन यानी कि जीवन के उपार्जित करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, है ना, जीवन को चलाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है ना, उसको हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। वे कार्य जिसे जीवन चलाने के लिए लोग इंसान अपना करता है वही कार्य को हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप। एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से एकदम आप कह सकते हैं कि जो हमें आवश्यकता हेतु कार्य करना पड़ता है, हमारे जीवन जीने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो आपका क्या है, जीवन जीने के लिए आपको धन चाहिए, सिंपल, बिना धन के आप जी नहीं सकते हैं, धन क्योंकि आप खाना चाहिए तो भी इसके लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगा, तो आर्थिक क्रियाकलाप को करना ही होगा, आप अगर नहीं करते हैं तो धन की प्राप्ति नहीं होगी, आप जी नहीं पाएगा। यूं मानिए कि आज देख ही रहे महंगाई कितना रफ्तार में बढ़ रहा है, बेसिकली जब आजादी हुआ था उस समय 33 करोड़ आबादी था, आवाज इतना आबादी बढ़ गया कि कुछ कहने का, आप जानते हैं महंगाई का मुख्य रूप से देखा जाए अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र कहिए या कहिए कि कुछ एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि महंगाई के जो प्रोसीजर है वो दो तरीका से बढ़ता है, दो कारण है इसका, मेरे हिसाब से भी हमको वैसा ही लगता है। पहला कारण आपका है ये स्टॉक होना, वस्तुओं का स्टॉक कर लेना, कोई वस्तु का स्टॉक कर लेना, स्टॉक मतलब होता है जमा करके रखना, उसको जमा करके रखिएगा, मार्केट में नहीं जाएगा और एक जाएगा तो फिर महंगाई बढ़ेगा ही, जब किल्लत सामान का जरूरत होगा उस समय नहीं आएगा, बाद में आएगा तो महंगाई बढ़ ही जाएगा, सिंपली। दूसरा बात अगर कह सकते हैं आप क्या चीज, जनसंख्या की वृद्धि होना, जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई तो जरूर बढ़ेगा, जितने इंसान ज्यादा हो जाएगा, जगह कम और जरूरतें ज्यादा है और सामान कम है तो दिक्कत तो होगा ही, इस प्रकार से महंगाई बढ़ता है। तो हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अब आइए हम लोग
टॉपिक पर चलते थोड़ा सा कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? अर्थशास्त्र नामक प्रथम पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति या कि अर्थशास्त्र के पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो चाणक्य हो जाएंगे। आप कहिएगा अर्थ, अर्थ शास्त्र, अर्थशास्त्र के सॉरी अर्थशास्त्र पुस्तक, पुस्तक अर्थशास्त्र पुस्तक, पुस्तक के रचयिता, पुस्तक के रचयिता रचनाकार, रचनाकार के हैं तो हो जाएंगे चाणक्य, चाणक्य। देखिए इस पर ही बहुत बड़ा मतभेद है, कभी हम एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डीपली चर्चा कर देंगे चाणक्य है या नहीं है, क्या है, कोची है, पूरा हम डीपली उसमें चर्चा कर देंगे एक वीडियो में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि चाणक्य नहीं है, लेकिन कुछ लोग का मानना है चाणक्य है, तो इसमें हम डीपली वैसे देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो लिखे हैं मतलब कि चाणक्य जी, तो उनमें मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का कोई वर्णन ही नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है हम बताएंगे डिप्लीस में भी, जल्दी हम एक परिचय में आएंगे तो चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का अर्थशास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, उनका साम्राज्य का ही वर्णन उतना तरीका से नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब कुछ लोगों का मानना है कि शायद नहीं होंगे, लेकिन जैसा मत है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि अर्थशास्त्र के जो पुस्तक के रचयिता हैं सबसे पहले चाणक्य हैं, इसीलिए अर्थशास्त्र के प्राचीनतम जनक प्राचीन, इसीलिए प्राचीन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है शास्त्र के जनक, जनक आप समझिएगा जनक माने पिता, जनक माने जाते हैं कौन, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जनक हो जाएंगे आपके चाणक्य, चाणक्य है ना, चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य कौन थे हम चर्चा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चाणक्य हो जाएंगे, उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग है ना मुख्य रूप से कि ये चाणक्य जो है, चाणक्य का पूरा नाम क्या है, चाणक्य का व्यक्तिगत नाम है क्या, गोत्र नाम क्या है, इनके पापा का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनके जीवन काल कैसा रहा, और हम लोग एडम स्मिथ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से देखा जाए है ना, तो प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक जो माने जाते हैं वो आप क्यों है चाणक्य है ना, ऐसे देखा जाए तो आधुनिक में आ जाइएगा, आधुनिक में लेकिन आधुनिक 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 अर्थशास्त्र के जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जनक देखा जाए, आधुनिक मैंने आजकल के जो अर्थशास्त्र उसके जनक उनके जनक देखा जाए तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो हैं आपके वो बोर्ड पर लिखा गया है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को माना जाता है, क्यों माना जाता है बताएंगे, एडम स्मिथ। साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, आज हम लोग सीखेंगे बहुत बढ़िया जबरदस्त, आप लोग बहुत समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, बहुत अच्छा धन्यवाद। देखिए इधर, तो एडम स्मिथ है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ है, तो हम बोले प्राचीनतम पूछेगा तो प्राचीनतम में हो जाएगा चाणक्य हो जाएंगे, और आधुनिक में हो जाएंगे कौन, एडम स्मिथ। चाणक्य का क्या क्या नाम है कोची है हम लोग चर्चा करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, तो इतना याद कर लीजिए, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो ठीक है स्क्रीनशॉट आप पीछे जाके वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और भी हम यहाँ पर बात बहुत सारे मेंशन करने वाले हैं, नोट करने वाले हैं, दिक्कत नहीं है। आगे का टॉपिक तो एक बार हम रिवाइज करते थोड़ा सा, अर्थशास्त्र के अर्थ दो शब्द से, अर्थ और शास्त्र से बना है, इसे देखा जाए तो क्या अर्थ का, धन का विषय सॉरी अर्थ यानी कि धन, शास्त्र यानी कि विषय, मुख्य रूप से देखा जाए तो धन संबंधित विषय का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। परिभाषा हो जाएगा आपका क्या, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग वस्तुओं के विनिमय तथा उसके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके उपार्जन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जीव को उपार्जन करने के लिए आर्थिक क्रियाकलाप करना बहुत जरूरी है, जीव को उपार्जन क्या, जीवन का चलाना, जीवन को चलाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करना पड़ेगा, आप यूँ समझ लीजिए वो सभी जो विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं अर्थ को प्राप्त करने के लिए, वो सभी के सभी स्टडी कहाँ कीजिएगा, अर्थशास्त्र में। हम डिग्री जैसे करेंगे क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें इनमें कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से हैं, अगला वीडियो में आपको दे देंगे, अभी केवल परिचय के बारे में बेसिक पॉइंट हम दे रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिए सीखिए, इसको मैनेज करते हैं वो आगे सीखो।
चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आइए देखिए थोड़ा सा, हम यहाँ पर आ रहे थे चाणक्य के बारे में। चाणक्य, चाणक्य जी हैं जो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऐसे देखा जाए तो रावल पिंड नाम करके एक जगह है, जैसे कि बुक में दर्शाया जाता है, बड़े बड़े ग्रंथों में जैसे इनका रचना भी है तो उसमें दर्शाया गया है कि रावल पिंडी एक जगह है जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, तो रावल पिंडी में इनका जन्म स्थान माना जाता है। वहां तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय याद रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, रावल पिंडी में। कोई पूछ देगा बताइए जी तक्षशिला, 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 शिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, शिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विवि मतलब क्या लिखे, विश्वविद्यालय लिखे, शॉर्टकट समझिएगा। कहाँ है तो आप रखिएगा रावल पिंडी, रावल पिंडी, रावल पिंडी, रावल पिंडी कहाँ है तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान में रावल पिंडी, पाकिस्तान, ऐसा लोग को मानना है कि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। कुछ मत के अनुसार ये भी दर्शाया जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा हम दर्शाएंगे इसे जन्म के बारे में मुख्य रूप से, है ना, बारी बारी से इसे करते हैं। पहले हम इरेज कर देते हैं इस चीज को, पीछे वाला को इरेज कर देते हैं ताकि पूरा बढ़िया से इसमें हम लिख सकें, ठीक है। ये हम शॉर्टकट में बताएं, पहले आप याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय रावल पिंडी पाकिस्तान, रावल पिंडी पाकिस्तान, और आपको नालंदा में एक विश्वविद्यालय है, ये दोनों से इनका बहुत बड़ा नाता रहा है। इसे देखा जाए तो जन्म स्थान ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, और मृत्यु जो कि आपका नालंदा में है, लेकिन मृत्यु यहाँ नहीं हुआ था, इनको मृत्यु जो हुआ था मुख्य रूप से देखा जाता है तो पटना दर्शाया जाता है, पटना यानी कि उस समय पटना का नाम पुष्पुर रहा करता था, पुष्पुर, जैसे कि आप पढ़िएगा संस्कृत तो चैप्टर में आपको पाटलिपुत्र वैभव है, संस्कृत के चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें, उसे बताएंगे हम कि पाटलिपुत्र वैभव में पटना का नाम कई प्रकार से दर्शाया गया, कुसुमपुर, पुष्पुर, है ना, कुसुमपुर, पुष्पुर, पाटलिग्राम, ये सब उसका नाम, और पुष्पुर इसे भी नाम दर्शाया गया है, वहां बताया जाएगा, है ना। अभी फिलहाल के लिए समझिए रावलपिंडी पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। वैसे चाणक्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, समझिएगा। चाणक्य, चाणक्य का व्यक्तिगत नाम क्या होता है, जो उनका रियलिटी नाम था, वास्तविक नाम यानी कि रियलिटी, जो 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 जैसे कि आप, जैसे कि सबका अपना अपना नाम होता है, रियलिटी है कि नहीं, उसी प्रकार से जैसे आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम है सभी का, उसी प्रकार से व्यक्तिगत नाम है चाणक्य का क्या, तो वो था विष्णुगुप्त, विष्णु, है ना, तो विष्णु, विष्णु, विष्णु गुप्त, याद रखिएगा विष्णु गुप्त, इन्हीं के द्वारा, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को ही शिष्य बनाए, और उसके बाद, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इनका गोत्र का नाम क्या, इनका गोत्र क्या था, गोत्र क्या था इनका, गोत्र एक्चुअली इनका गोत्र का नाम है कौटिल्य। अब कहीं कहीं पर ऐसे देखिए कौटिल्य, जैसे हम एक मिनट लिख देते हैं पहले थोड़ा सा, कौटिल्य, कौटिल्य, आप सोच रहे होंगे कि सर आप जगह सर सब जगह तो चाणक्य, चाणक्य लिखे हैं, लेकिन हम कहीं कहीं सर्च मारते तो वहां पर आ जाता है अर्थशास्त्र का जनक आ जाता है, आ जाते हैं क्या, तो वहां पर कौटिल्य लिखा होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका गोत्र का नाम जो है कौटिल्य है। एक्चुअली मुख्य रूप से चाणक्य इनको कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य इनका इसीलिए, इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो गोत्र था, गोत्र, गोत्र वो होता है, जैसे कि एक सब अपना अपना गोत्र होता है बहुत तरह का व्यक्ति का, जैसे कि आप पूछिएगा अपने माता जैसे कि मम्मी मेरा गोत्र का नाम क्या है वगैरह, तो कहीं ना कहीं उनको पता होगा, चाहे शायद आपको ही पता हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि गोत्र जो होता है ना, गोत्र, इनका गोत्र जो था वो था कुटिल, 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 कुटिल गोत्र था, और कुटिल होने के कारण इनका नाम पड़ गया कौटिल्य, कुटिल होने के कारण इनका नाम पड़ा कौटिल्य, और इनका एक जो नाम है जनरली चाणक्य कैसे पड़ा, तो इनके बाबूजी का नाम, इनके पिताजी का नाम जो था आप जानते हैं, है ना, इनका वैसे यूं कहिए कि जो लोग पुकारते हैं, जो बोलते हैं, ये पिता के कारण जो नाम इनको पड़ा है, पिता का कारण, है ना, पिता का नाम चाणक्य था, या कहे चाणक्यवासी होने के कारण चाणक्य, चाणक्य,
चणकवासी, चणकवासी होने के कारण, चणकवासी होने के कारण यह कहिए, चणकवासी होने के कारण यह कहिए पिता का नाम चणक होने के कारण है ना, या पिता, पिता का नाम, का नाम चाणक्य, चा चणक, चणक, चणक। कहीं कहीं पर इनको कणक, कणक भी लिखा जाता है, याद रखिएगा। ये रीजन है कि उनका नाम एक और पड़ गया चाणक्य, चाणक्य। तो याद रखिए, कोई पूछ देता है बताइए बुआ कि चाणक्य ये जो नाम है तीन, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, तीनों एक ही हैं क्या? बिल्कुल सही बात, तीनों एक ही हैं। इनका व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त, गोत्र का नाम कौटिल्य और चणकवासी होने के कारण यह कहिए चाणक्य। चाणक्य का नाम चणक, सॉरी चणक का, चणक के पिता का नाम चाणक्य, चणक, चणक या कनक होने के कारण इनका नाम पड़ा है चाणक्य, चाणक्य। तो कुल मिला के ये बात क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इतना में हमको उम्मीद है ये बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको। और हम इनके जन्म देखते हैं, जन्म कब हुआ था, जन्म है ना। चलिए आप देखें थोड़ा सा इनके जन्म जान लीजिए, हल्का सा। चणक का जन्म, चणक के बारे में जितना भी लिखे हम चणक के बारे में ही लिखेंगे है ना। तो चाणक्य का जन्म, 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 जन्म कब हुआ था, 375 बीसी में हुआ था। 375 बीसी में कब हुआ था, 375, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार। 375 बीसी, बीसी क्या होता है हुआ, बीसी के मतलब होता है ईसा वर्ष पूर्व, ईसा वर्ष पूर्व है ना, ईसा पूर्व, बढ़िया जानते होंगे इसको, शॉर्टकट में बीसी भी कहा जाता है। बीसी कहाँ हुआ था जन्म, तो ये जन्म हुआ था, आप जान लीजिए जन्म हुआ था, ऐसे दर्शाया जाता है। मुख्य बताएं हम कि कुछ मत के हिसाब से, कुछ मत के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के निकट, या कहिए कि यानी कि पाकिस्तान वाला एरिया में, जो कि उस समय पाकिस्तान वहां पर था ही नहीं, सब पूरा के पूरा अखंड भारत था, लेकिन ऐसे कुछ मतों के अनुसार दर्शाया जाता है कि उनका जन्म जो हुआ था चणक, चणक में हुआ था, कनक में हुआ था। कनक एक जगह का नाम है, इन्हीं के पिताजी के नाम पर पड़ा था कनक, और कनक जगह जो है अभी उड़ीसा में पड़ता है। कनक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा, ऐसे दर्शाया जाता है ना। चणक, कनक कहिए, कनक या चणक, चणक, चणक या कनक, कणक, कनक, उड़ीसा, उड़ीसा दर्शाया जाता है, उड़ीसा ऐसा बताया जाता है, कहा जाता है। लेकिन कुछ मत के अनुसार है ना, कुछ मत के अनुसार, कुछ मत के अनुसार ये भी कहा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय यानी कि रावलपिंडी जो हम बताए थे वहां, यानी कि रावलपिंडी में ही इनका जन्म हुआ था। पर रियलिटी क्या है वो दर्शाया नहीं जा सकता है, मुख्य रूप से ऐसे देखिए तो कनक ही सही होगा, उड़ीसा है ना ये। अब यहाँ पर कुछ बात को पर आगे लेते हैं थोड़ा सा, देखिए जन्म के बाद थोड़ा सा मृत्यु भी बताते हैं, मृत्यु है ना, फिर माता पिता का हम चर्चा करेंगे। इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका मृत्यु मुख्य रूप से देखा जाए, इनका मृत्यु जो हुआ था, हुआ मृत्यु हुआ था 283 ईस्वी में है ना, ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु का इतिहास जो जुड़ा जाता है वो आपका पाटलिपुत्र से, यानी कि आपका ये पुष्पपुर से, पुष्पपुर, पुष्पपुर क्यों हम बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि उस समय जो मौर्य साम्राज्य था वो पूरा के पूरा ऐसे, मैंने कि मगध जो था बिहार से लेकर के पूरा कश्मीर फैला हुआ था। तो इनका मृत्यु दर्शाया जाता है आपका ना पुष्पपुर, पुष्पपुर कर सकते हैं, या कहिए कि ईसा पूर्व मगध, उस समय मगध में ही इनका साम्राज्य पड़ता था, इसलिए वही मृत्यु इनका हुआ था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा हम लोग कर लेते हैं इनके बारे में, जैसे कि आप देखा जाए तो क्या क्या हम जानेंगे। इनके पिता का नाम, पिता, पिता का नाम, पिता कौन थे, माता का नाम क्या था, ऐसे पत्नी, पत्नी का नाम क्या था, पत्नी, पत्नी का नाम क्या था, ठीक है, पत्नी का नाम क्या था। तो मुख्य रूप से पिता इनका जो थे, इनके पिता का नाम जैसे कि हम मेंशन किए थे, नाम चणक या कनक कहिए, चणक, चणक ऋषि नाम था इनका, चणक ऐसे कई जगह पर कनक भी लिखाता है, कनक ऋषि, कनक ऋषि, कनक ऋषि, तो ऋषि कनक ऋषि नाम था इनका, कनक ऋषि। और इनके माता का नाम चनकेश्वरी नाम था, चनकेश्वरी, चनेश्वरी,
चणेश्वरी, चणेश्वरी नाम था इनका, माता का नाम चणेश्वरी, चणेश्वरी इनकी पत्नी का नाम ऐसे कहीं कहीं पर अशोदा यो या यशोमती, यशोमती या यशोदा है ना, यशोदा कहीं कहीं पर यशोदा, यशोधरा सॉरी यशोधरा, या कहीं कहीं पर यशोमती, यशोमती दर्शाया जाता है। पर दोनों नाम में कॉमन चीज है कि यशो जरूर रहता है। तो यशोमती, यशोमती या सुधरा इनकी पत्नी का नाम था। कोई पुत्र का कोई रिकॉर्ड विशेषता इनका नहीं है, बिकॉज मुख्य रूप से जब इनका जन्म जो हुआ था गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और गरीब होने के कारण इनकी पत्नी इनको प्रेस की कि गरीब टाइम में कैसे रहा जा सकता है, इसीलिए आप जाइए और एक राजा के नाम लेकर के बोलते हैं धनंजय, वो नंद वंश का, नंद साम्राज्य का वो राजा था, वहां पर भेजते हैं उनको अपने पति को, जैसे कि यशोधा, ये जो यशोधरा है अर्थात यशोमती जो है वो अपने पति चनक को भेजते हैं कि जाइए वहां पर जा करके कुछ धन को प्राप्ति कीजिए। वैसे एक भोज के आयोजन किए थे कहाँ पर, तो पुष्पुर, पुष्पुर आप जानते होंगे जैसे कि हम बताया थे पटना का एक नाम है, तो पटना यानी कि आज का नाम पटना, उस समय का पुष्पुर में एक भोज का आयोजन करवाए थे। तो जा करके भोज भंडारा में ये संदेश दिए राजा को कि जो भारत है उसको अखंड बनाने का प्रयास कीजिए, आप राजा हैं। तो ये प्रपोजल को ठुकरा दिए राजा ना, राजा ठुकरा दिए और ये बोल इनको ने कि इनको बहिष्कार कर दिए कि तुम्हारे बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और वहां पर उनको लज्जित कर दिए चाणक्य को। और तभी से इनके अंदर एक अलग प्रकार के ज्वाला और अग्नि का ज्वाला प्रचंड उठ चुका ताकि उनसे बदला ले सके। एक मिनट रुको तो।